नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन के। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में होने जा रहा T20 सेकंड मुकाबला, जो कि 20 जुलाई को होने वाला है। अगर जहां पर इन्हीं दोनों टीमों का पहला T20 में की बात करें, भाई पहले T20 में हुआ क्या भाई, न्यूजीलैंड आई आयरलैंड के घर और भाई हरा करके चलेगी उन्हें को उन्हीं के घर में। क्या भाई दूसरी बार भी यही मुकाबले में ऐसी होगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जो आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सो गाइस, चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू की। ये मुकाबला कब और कहाँ कैसे होने वाला है? ये मुकाबला होने वाला है 20 जुलाई वेनेसडे को होने वाला है। इंडियन टाइम अनुसार की बात करें तो भाई यहाँ पर 8:30 बजे रात को देखने के लिए मिलने वाला है। ग्राउंड की बात करें भाई कौन सा ग्राउंड है, तो भाई यहाँ पर ये जो ग्राउंड होने वाला है वो होने वाला है सिविल सर्विस क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आयरलैंड में है। अब बात करें यहाँ पर पिच की, भाई पिच के ऊपर क्या स्टैट चल रहे हैं, कि कैसे पिच रिपोर्ट है। तो देखो भाई यहाँ पर जो पिच है इसके ऊपर टोटल अभी तक 19 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 7 बार जो है टारगेट डिफेंड हुआ है, 12 बार टारगेट चेज हुआ, यानी कि यहाँ पर टारगेट चेजिंग के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं बात करें अगर जो फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर की, भाई देखो फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर जो है यहाँ पर 152 का है, तो और बात करें टारगेट चेजिंग स्कोर का भाई जो है 148 और टारगेट डिफेंडिंग स्कोर है वो है 164, यानी कि ओवरऑल बात करें जो हम लोगों को यहाँ पर फाइनल स्कोर देखने के लिए मिलने वाला है वो 150 के आसपास देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर जो 150 के आसपास जो अगर जो यहाँ पर 104 एक 150 तक भी रन बनते हैं ना, अगर जो 150 तक रन बन गए तो भी टारगेट जो है चेज हो सकता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर 160 से ऊपर की बात चलने लग जाती है ना, 165 तक यहाँ पर रन पहुंच जाए, तो भाई यहाँ पर टारगेट चेजिंग के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। यही बात करें दोनों ही टीम का टीम परफॉर्मेंस की, भाई यहाँ पर क्या रिकॉर्ड रहा है दोनों ही टीम का। देखो आयरलैंड का ग्राउंड है तो यहाँ पर आयरलैंड ने ज़्यादा मुकाबले खेले होंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल आयरलैंड ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 बार मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 1 मुकाबला खेला वो भी अपने नाम कर दिया। यानी कि ओवरऑल जो मुझे जो लगता है ना, न्यूजीलैंड ने 1 मुकाबला खेला, 1 नाम कर लिया, लेकिन आयरलैंड ने भाई 11 में से 4 करे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं है। मिनिमम यार कम से कम 6 करते तो हम समझते कि हाँ भाई चलो अच्छा स्कोर, भाई 4 जो है ज़्यादा खास लग नहीं रहा। यानी कि टीम परफॉर्मेंस के मामले में न्यूजीलैंड जो है थोड़ी सी हम लोगों को आगे नजर आती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, भाई देखो आयरलैंड ने पहला मुकाबला खेला अपना T20 में, वो हार गई। अब क्या होने वाले, देखो प्लेइंग 11 को तो साथ में उतरने वाले जो प्लेइंग 11 होने वाली है इनकी सेम होने वाली है। यहाँ पर जो है अगर जो बात करें इनकी प्लेयर्स के ऊपर नजर डालें और इनकी बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, इनकी बॉलिंग और बैटिंग कैसे है। जब इन्होंने पहले बार मैच खेला भाई बॉलिंग बहुत अच्छी करी, भाई बॉलिंग जो मैं कहूंगा भाई पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आई, बॉलर्स ने भाई काफी ज्यादा दम दिखाया। अगर जो भाई बल्लेबाजी की बात करें, भाई बल्लेबाजी में बिल्कुल भी दम नहीं नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई जो बल्लेबाज है भाई यहाँ पर मजेदार वाले रन नहीं मार रहे। पहले जो ओपनर्स आए भाई ओपनर्स ने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया, मिडल ऑर्डर फिनिशर भाई किसी ने भी यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा आयरलैंड की टीम से। इसी वजह से यहाँ पर ये जो टीम है बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी पहला मुकाबला। यानी कि मैं ओवरऑल कहूँगा भाई आयरलैंड की जो टीम है इसको जो है ना थोड़ा बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अन्य तो भाई बॉलिंग तो इनकी बहुत ही ज़्यादा धांसू है। बॉलिंग के साथ अगर जो दम से उतरेंगे ना और थोड़े से बल्लेबाज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर जाए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दे, तो भाई आयरलैंड अपना मुकाबला ये दूसरा मुकाबला अपने नाम कर सकती है। वहीं बात करें दूसरी टीम भाई न्यूजीलैंड का, भाई उनका क्या सीन चला है? प्लेइंग 11 इनके भाई सेम रहने वाले, क्यों भाई? क्योंकि भाई पहला मुकाबला जीता इसी टीम के साथ जीतेंगे, दूसरा मुकाबला भी इसी टीम के साथ जीतेंगे। भाई देखो यहाँ पर बात करें न्यूजीलैंड की भाई प्लेइंग की क्या है, यहाँ पर अगर जो बात करें बैटिंग की, भाई बैटिंग में देखो थोड़ा सा जब शुरुआत में आए थे ना, शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगा था भाई हल्का सा, मतलब शुरुआत में जो ना फीके पड़े थे, फिर उसके बाद जो है मिडल ऑर्डर में जब फिल एलन ग्लेन फिलिप्स आए, भाई इन्होंने मैच जो है संभाल लिया, मैच जो है अच्छे दम से, मतलब अच्छे रन से इन्होंने मैच की जो है दिशा बदल ली। और जो बाकी बचा हुआ मैच था वो किसने संभाला भाई, वो संभाला बॉलर से। यानी ओवरऑल मैं कहूंगा न्यूजीलैंड की जो टीम है भाई बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छी है, बस थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी हल्की सी कमजोर नजर आ रही है, पर फिर भी कहूंगा बैटिंग जो है काफी ज्यादा स्टेबल है। ओवरऑल जो है न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छी टीम है बैटिंग और बॉलिंग के मामले में। अब बात करें दोनों ही टीम के लास्ट 6 मुकाबले के, दोनों ही टीम में लास्ट 6 मुकाबले में क्या करा है। देखो आयरलैंड की टीम ने भाई 6 मुकाबले खेले, 6 में से 2 मुकाबले जीते, जो कि ज्यादा अच्छी चीज बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैटिंग एवरेज स्कोर देखें, बैटिंग एवरेज स्कोर कितना भाई 155 का, मुझे कुछ ज्यादा खास लग नहीं रहा T20 के हिसाब से। लेकिन बॉलिंग एवरेज स्कोर की बात करें वो भी जो है एकदम घटिया है, यानी कि ओवरऑल मैंने जैसा कहा था कि आयरलैंड की टीम की फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, बैटिंग एयर स्कोर भी बहुत ही कम है, बॉलिंग एयर स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, न्यूजीलैंड की टीम को भाई देखो बैटिंग एवरेज के स्कोर देखें बहुत ही तगड़ा भाई, 173 2 मुकाबले जीते, यानी मतलब 2 मुकाबले जीते ज़्यादा अच्छी बात नहीं, पर 2 मुकाबले भाई 173 का रन का एवरेज स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बॉलिंग एयर स्कोर देखें 8.19, जो
इसे मैं ज़्यादा अच्छा तो कहूँगा नहीं, पर ये भी एकदम मतलब एक ठीक ठाक सा ही है ओवरऑल जो है। यहाँ पर देखेगा जो दोनों ही टीम का लास्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड का, भाई लास्ट पांच मुकाबले में दोनों टीम भिड़ी क्या का क्या क्या करा। देखो भाई लास्ट पांच बार तो अभी तक ये टीम नहीं भिड़ी है, यहाँ पर दो बार मुकाबले भिड़े हैं दोनों ही टीम, दो मुकाबले हुए हैं दोनों ही टीम के बीच में, और दोनों ही मुकाबले यहाँ पर न्यूजीलैंड ने अपने नाम करा। यानी कि अब बात करें भाई पूरा शेड की, भाई यहाँ पर अभी तक शुरू से लेकर के क्या देखो प्लेइंग इलेवन में न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी, क्योंकि उनके बैट्समैन अच्छे हैं बॉलर्स अच्छे हैं ठीक है। वहीं बात करें लास्ट छह मुकाबले में भाई बैटिंग एवरेज स्कोर जो है न्यूजीलैंड का ज्यादा तगड़ा है ठीक है भाई। अब बात करें लास्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड के, हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी न्यूजीलैंड आ गया, यानी कि ओवरऑल जो विन परसेंटेज बनती है इस मुकाबले की वो बनती है भाई 30-70, यानी 30-70 का बनता है। 30 जो है आयरलैंड और 70 न्यूजीलैंड, ओवरऑल मैं जो कहूंगा भाई ये मुकाबले में भी न्यूजीलैंड लेकर के जाने वाली है। विन परसेंटेज के हिसाब से अगर जो आप लोग चलना चाहते हैं आप लोग चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग जो करना चाहें, आप चाहे तो आयरलैंड के साथ भी जा सकते हैं, इसमें रिस्क है, पर यहाँ पर भाई देखो न्यूजीलैंड के पास 70% विन चांसेस है, तो देखते हैं कि भाई क्या होगा इस मुकाबले में। आप लोग चाहे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन जाने से पहले सभी छोटी रिक्वेस्ट अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।